बस आज के दौर में जरूरत इस बात की है कि हम इमाम हुसैन का नाम तो लेते हैं मगर इमाम हुसैन वाला काम नहीं करते। हमारे दिल के अंदर हुसैन है। पिछले जुमे मैंने शेर भी पढ़े थे, मौलाए गौसो कुतुबो कलंदर हुसैन है, बख्शिश का बेकिनार समंदर हुसैन है, तौहीद जिससे मिलती हो वो अंबर हुसैन है, खुल्दे बनी की राह का राहबर हुसैन है, तस्कीने कल्ब रूहे पयंबर हुसैन है, एवजह जुल जलाल फना तुझ से दूर है, आ देख दिल में नहीं रूह के अंदर हुसैन है, आ देख दिल में नहीं रूह के अंदर हुसैन है। हमारे अंदर हुसैन है मगर हमारे अमल के अंदर हुसैनियत नहीं। यजीद खत्म हो गया मगर यजीदियत बाकी है। इमाम हुसैन है मगर हुसैनियत नजर नहीं आती। हुसैनियत क्या है? हुसैनियत नेकी का नाम है, हुसैनियत सच का नाम है, हुसैनियत बामल होने का नाम है, हुसैनियत किरदार और अखलाक की पाकीजगी का नाम है, हुसैनियत दिल और दिमाग की सफाई का नाम है, हुसैनियत जिंदगी का नाम है, यजीदियत दरिंदगी का पैगाम है, हुसैनियत सब्र है, यजीदियत जब्र है, हुसैनियत हया है, यजीदियत रिया है, हुसैनियत वफा है, यजीदियत दगा है, हुसैनियत सदाकत है, यजीदियत हमाकत है, हुसैनियत अदालत है, यजीदियत जहालत है, हुसैनियत सखावत है, यजीदियत शकावत है, हुसैनियत खुशबख्ती है, यजीदियत बदबख्ती है, हुसैनियत लुटाने का नाम है, यजीदियत लूटने का नाम है। हुसैनियत जो है वो नमाज को तीरों के मुसल्ले पे पढ़ने का नाम है, यजीदियत नमाज को छोड़ने का नाम है, और यजीदियत कुरान को भुला देने का नाम है, हुसैनियत कुरान को नेज़ों पे चढ़ के सुना देने का नाम है। अजीजाने मोहतरम, हमारे अंदर हुसैन है, हमारे ऊपर हुसैनियत नजर नहीं आती। अगर आप फ्रूट की पेटी लेने के लिए मंडी में जाएं, चाहे आप स्ट्रॉबेरी का छोटा सा डब्बा खरीदें या आम और आड़ू का बड़ा सा क्रेट खरीदें, उसे उखेड़े, उसे खोलें, उसके अंदर जितनी तहें हैं वो तहें आपको बताएंगी कि ये तहें लगाने वाला हुसैनी कितना है और यजीदी कितना है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए हो। वो जो पहली तह है उस जैसे फल बाकी तहों में नजर नहीं आते। तो ये जो बाकी नीचे वाली तहें लगाई गई हैं वो यजीदियत है, क्योंकि यजीदियत दूसरे को लूटने का नाम है, यजीदियत दूसरे को धोखा देने का नाम है, और ये जो पहली तह लगाई गई है ये हुसैनियत है, क्योंकि हुसैनियत दूसरों को लूटती नहीं है, वो दूसरों की खातर अपना आप भी कुर्बान कर देती है। मेरे मोहतरम सामईन, हम जुज वक्ती हुसैनी हैं, पार्ट टाइम हुसैनी हैं, पार्ट टाइम। मैंने आज तक कोई दुकानदार ऐसा नहीं देखा जो अपनी दुकान खोले और दुकान खोलते ही दुकान के अंदर इंडियन गाने लगा ले। नहीं, वो दुकानदार दुकान खोलेगा, पहले 5 मिनट तिलावत लगाएगा, फिर नात लगाएगा। ये तिलावत और नात, ये वो चीजें हैं जो हजरत इमाम हुसैन की पसंदीदा। ये सिर्फ दुकान में लगेंगी 10 मिनट के लिए, और उन 10 मिनटों के बाद से लेकर रात तक दुकान के अंदर जो लगेगा वो सारी यजीद की पसंदीदा चीजें होंगी। गाने बजाने होंगे, नाच होगा, डांस होगा, रक्स होगा, नंगी लड़कियां, यही ये यजीद की पसंदीदा चीजें हैं। पता चला हम 10 मिनट के लिए हुसैनी होते हैं और पूरे दिन के लिए यजीदी बन जाते हैं। नहीं नहीं अजीजाने गिरामी कदर, नहीं। हुसैनियत जो है ये हमेशा के लिए। 10 मुहर्रम के दिन हम हुसैनी हैं,
हमने सबील लगा ली है, हम अमन का पैकर बन गए, हम दूसरों के लिए सहूलत दे रहे, हम दूसरों के लिए अखलाक का पैकर बन गए। उस दिन हमारे अंदर आजजी भी है, इनकिसारी भी है, हम राहगीरों पे मेहरबान है, मगर जैसे ही 10 मुहर्रम का सूरज गुरूब होता है हमारी सबील खत्म होती है, बर्तन धो धा के चमका के खुश्क करके हम रख देते हैं। अब जब तक 10 मुहर्रम का दिन था हम रस्ते वालों पे इतने मेहरबान थे, मिन्नतें कर कर के पानी पिला रहे थे, मगर जैसे ही सूरज गुरूब होता है फिर हम रास्ता चलने वालों के लिए अपने घर के बाहर लगा हुआ छोटा सा बल्ब रोशन करना भी गवारा नहीं करते। हजरत हंजला हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जब हम आपके पास होते हैं तो हमारे दिल मोम हो जाते हैं, हमारे दिल नरम हो जाते हैं, हमारी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, हम आपकी बातें सुनते हैं, हम कहते हैं जी हम बिल्कुल गुनाह छोड़ देंगे, नेकी के रस्ते पे चल पड़ेंगे, अभी बिल्कुल हमारा राबता मुसल्ले के साथ जुड़ जाएगा, हम बिल्कुल अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होंगे। आका आपके हाँ हमारी कैफियत ये होती है, मगर जब हम आपके पास से उठ के अपने घर जाते हैं, बीवी बच्चों में जाते हैं, दुकानों और बाजारों में जाते हैं, दुनियादारी के झमेलों में उलझ जाते हैं, हमारी वो कैफियत खत्म हो जाती है। अब आपको मैं बताता हूं कुल वक्ती हुसैनी बनने वालों का मकाम क्या है। हुजूर ने फरमाया जिस तरह तुम मेरे सामने होते हो, यानी कि वो थोड़ी सी देर के लिए जो तुम्हारी कैफियत होती है, अगर वो तुम्हारे ऊपर हमेशा के लिए जारी हो जाए और तुम अपने आप को हमेशा के लिए वैसा बना लो, अल्लाह की इज्जत की कसम, आसमानों से फरिश्ते भी तुम्हारे चेहरों की जियारत के लिए जमीन पे उतर आया करेंगे।